हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस ई वीडियो लेक्चर में पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट कोड IE 305। तो देखिए, SCR को पैरेलल में किस तरह से कनेक्ट किया जाता है वो मैंने इस सर्किट डायग्राम में दिखाया है। देखिए, लाइन और न्यूट्रल, उसके बीच में देखिए SCR1, SCR2 और SCR3, ये पैरेलल में कनेक्ट किए गए। SCR जो है पैरेलल में कनेक्ट किए गए। तो क्वेश्चन फर्स्ट यही अराइज होता है कि पैरेलल में SCR कनेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसे पहले अपन ने सीरीज कनेक्शन में डिस्कस किया था कि SCR की रेटिंग मैच नहीं करती है लोड की रेटिंग से। मान लीजिए लोड जो है 15 एम्पियर ले रहा है और बाजार में अपने पास में 5 एम्पियर का SCR ही अवेलेबल है, करंट रेटिंग जो है मैच नहीं कर रही है। सीरीज कनेक्शन में अपन ने देखा था वोल्टेज रेटिंग मैच नहीं करती है, इसमें करंट रेटिंग मैच नहीं कर रही है। मान लीजिए लोड 15 एम्पियर का लगाया अपन ने, तो वो 15 एम्पियर लेगा। अब मान लीजिए बाजार में SCR जो अपने पास अवेलेबल है वो 5 एम्पियर का ही है, तो अपन को 3 SCR सीरीज में लगाने पड़ेंगे। अब 3 SCR सीरीज में लगाएंगे तो तीनों SCR 5-5 एम्पियर ले लेंगे, तो टोटल करंट जो है 15 एम्पियर लोड में चली जाएगी। आपको सारे SCR एक साथ ऑन करने पड़ेंगे और एक साथ ऑफ करने पड़ेंगे जब भी फायरिंग एंगल कंट्रोल होगा। तो आइडियल केस में अपन ने SCR को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है क्या रहेगी, सर्किट सक्सेसफुली वर्क करेगा या नहीं करेगा, या नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, क्या प्रॉब्लम्स रहेगी। तो जैसा कि पहले मैंने डिस्कस किया था कि SCR एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है और सेमीकंडक्टर डिवाइस की करेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली कभी भी मैच नहीं करती है, चाहे उन SCR को सेम मैन्युफैक्चर ने बनाया गया हो या सिमिलर कंडीशन में बनाया गया हो, इवन सेम रेटिंग का बनाया हो, फिर भी उनकी करेक्टरिस्टिक कभी भी मैच नहीं करेगी। तो करेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या है, देखिए, व्हेन SCR आर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर फेस्ड। फर्स्ट है अनइक्वल फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ ईच SCR कॉज अनइक्वल लोड शेयरिंग। फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक जो है डिफरेंट होगी। फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक का मतलब है जब SCR ऑन होगा तो जो करंट शेयरिंग है, लोड शेयरिंग है, वो अनइक्वल होगी। जब लोड शेयरिंग अनइक्वल होगी, जैसे मान लीजिए अपन आइडियल केस में मान रहे हैं कि भाई 5-5 एम्पियर तीनों SCR जो है ले लेंगे, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए इसने 6 एम्पियर ले लिया, इसने 4 एम्पियर ले लिया और इसने 5 एम्पियर ले लिया, तो लोड शेयरिंग अनइक्वल होगी, जबकि आइडियल केस में दोनों तीनों में 5-5 एम्पियर लेना चाहिए। अब अनइक्वल क्यों है, क्योंकि फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक इनकी डिफरेंट है, रेजिस्टेंसेस तीनों का अलग अलग है। अब इसने मान लीजिए 6 एम्पियर ले लिया, इसने 4 लिया, इसने 5 लिया, तो अगर इसका करंट ज़्यादा होता है, मतलब लोड ये ज़्यादा लेता है, तो क्या होगा, इसकी हीटिंग ज़्यादा होगी। हीटिंग ज़्यादा होने से इसका लीकेज रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, या रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा तो करंट और ज़्यादा लेने लगेगा, 6 की जगह 7 एम्पियर ले लेगा। जब ये तो ज़्यादा एम्पियर लेना चालू कर देगा तो बाकी का करंट फिर इनमें से कम होता जाएगा, इनमें करंट कम होगा, ये पहले 4 ले रहा था अब 3 एम्पियर लेने लगेगा। अब इसकी इसने 7 एम्पियर लिया तो हीटिंग और बढ़ गई, तो ये 8 एम्पियर लेने लग जाएगा, इसने ये 2 एम्पियर लेने लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये इफेक्ट जो है क्यूमुलेटिव है। अनइक्वल लोड शेयरिंग अपन टॉलरेट नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम तक, आपको इक्वलाइज करना पड़ेगा। एक SCR ज़्यादा करंट लेता जा रहा है और दूसरा SCR कम करंट होता जाएगा उसका, तो जो ज़्यादा लेता जा रहा है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, वो करंट और ज़्यादा लोड उस पर बढ़ता जाएगा, हीटिंग बढ़ेगी, उसके कारण से रेजिस्टेंस इसका कम होगा और करंट और ज़्यादा इसमें से फ्लो होने लगेगा। जब आपका करंट बढ़ता रहेगा तो ये SCR डैमेज हो सकता है परमानेंटली और ये सर्किट पूरा फेल हो सकता है, तो इसको आपको रोकना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम क्या है, अनइक्वल लोड शेयरिंग, कारण तीनों की करेक्टरिस्टिक मैच नहीं कर रही है, जो कि कभी मैच करेगी भी नहीं। उसी तरह से
टर्न ऑन करेक्टरिस्टिक एंड टर्न ऑफ करेक्टरिस्टिक भी डिफरेंट होगी, कॉज टेंडेंसी टू शेयर अनइक्वल लोड। एक SER पहले ऑन हो गया, जैसे मान लीजिए आपने गेट पल्स तो तीनों को एक साथ अप्लाई किया, ये पहले ऑन हो गया, तो सारी की सारी 15 एम्पियर ये ले लेगा, इनको ऑन होने नहीं देगा। और जब सारी 15 एम्पियर ले लेगा तो इसकी रेटिंग तो 5 एम्पियर ही है, ये जल जाएगा, परमानेंटली डैमेज हो जाएगा और ये सर्किट काम ही नहीं करेगा। उसी तरह से टर्न ऑफ करेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, एक SER पहले ऑफ हो गया, मान लीजिए ये पहले ऑफ हो गया, लेकिन बाकी के SER तो कंडक्ट कर रहे हैं, तो अब ये ऑफ हो गया तो इसका तो करंट जीरो हो गया, और इसमें 7.5 एम्पियर करंट आ गई, मतलब इसका लोड भी इन दोनों ने ले लिया, तो इनकी हीटिंग बढ़ती जाएगी और ये डैमेज हो सकता है। तो इसलिए टर्न ऑफ करेक्टरिस्टिक भी इक्वलाइज होनी चाहिए, न तो कोई SER पहले ऑन होना चाहिए न ऑफ होना चाहिए, और लोड शेयरिंग भी इक्वल होनी चाहिए, तभी ये सर्किट प्रॉपर वे में काम कर पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या, तो उसका सॉल्यूशन ये है, देखिए सॉल्यूशन भी साथ में ही लगा दिया हमने, तीन ट्रांसफार्मर काम में लेंगे, ट्रांसफार्मर T1, T2 एंड T3, जिसकी प्राइमरी को तो अपन ने SER के सीरीज में लगा दिया। देखिए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को SER की सीरीज में लगा दिया, और सेकेंडरी को देखिए, तीनों सेकेंडरी को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये डॉट जो मैंने लगाया इसको पोलरिटी कहते हैं, ये पॉजिटिव पोलरिटी है, मतलब एक तरह से DC में प्लस और माइनस होता है ना, उसी तरह से AC में भी, AC में पोलरिटी होती है, तो ये लाइन हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, पोलरिटी हो गई। तो पोलरिटी का मतलब है ये तीनों की पॉजिटिव पोलरिटी अपन ने ऊपर रखी है, एक ही डायरेक्शन में रखी है, और देखिए पॉजिटिव को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया सेकेंडरी, फिर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, है ना। हालांकि AC में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, लेकिन पोलरिटी के हिसाब से बोलते हैं अपन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव या फेज या न्यूट्रल कह सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव में जोड़ दिया, फिर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव में, फर्स्ट वाले के नेगेटिव में जोड़ दिया। तो एक तरह से ये तीनों सेकेंडरीज एक लूप में कनेक्ट हो गई, क्लोज लूप में कनेक्ट हो गई। इससे क्या होगा, तीनों सेकेंडरी में एक ही करंट फ्लो होगा, ये तीनों सेकेंडरी सीरीज में हो गई अभी। देखिए तीनों की प्राइमरी तो पैरेलल में है, क्योंकि तीनों SER पैरेलल में, प्राइमरी तो पैरेलल में है, और सेकेंडरी जो है देखिए सीरीज में होगी। तो सीरीज में आप जानते हैं कि करंट सेम फ्लो होता है, तीनों सेकेंडरी में सेम करंट फ्लो होगा, क्योंकि सीरीज में जो करंट इसके सेकेंडरी में जा रहा है वही करंट इसकी सेकेंडरी में जाएगा, तो तीनों सेकेंडरी में करंट सेम जाएगा। प्राइमरी में अलग अलग करंट होगा, क्योंकि SER में करंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी में करंट सेम जाएगा। तो कभी ऐसा हो सकता है क्या कि सेकेंडरी में तो करंट सेम जाए और प्राइमरी में डिफरेंट हो, होने ही नहीं देगा, ये फोर्स करेगा सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी अपन ने सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो तीनों की सेकेंडरी में करंट सेम होगा ही होगा, क्योंकि ये सीरीज में है। जब सेकेंडरी में करंट सेम होगा तो प्राइमरी में फोर्सफुली करंट सेम होगा ही होगा तीनों SER। तो जो प्रॉब्लम थी तीनों SER में करंट डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होने की, वो फोर्सफुली अपन ने तीनों प्राइमरी में करंट को सेम कर दिया, कैसे, सेकेंडरी को सीरीज में कनेक्ट करके। तो अब तीनों SER में करंट सेम ही फ्लो होगी, बाउंडेड है। अगर कोई SER में करंट बढ़ने की कोशिश करता है, मान लीजिए इसका लीकेज करंट बढ़ता है और SER में करंट इसमें मान लीजिए बढ़ती है, तो इसमें करंट बढ़ेगी तो इसकी प्राइमरी में बढ़ेगी तो इसकी सेकेंडरी में भी बढ़ेगी, और वही बढ़ी हुई करंट दूसरे की सेकेंडरी में भी फ्लो होगी और तीसरे की सेकेंडरी में भी फ्लो होगी। तो इसकी सेकेंडरी का जो रिफ्लेक्टेड करंट है वो प्राइमरी में फ्लो होगा, तो जो बढ़ा हुआ करंट है वो इस SER में भी प्राइमरी में भी फ्लो होगा और इस SER की प्राइमरी में भी फ्लो होगा। तो अगर एक के SER में करंट प्राइमरी में बढ़ता है तो वो दूसरे में भी करंट को बढ़ा देगा, ये जो सर्किट अरेंजमेंट है कि दूसरे में भी बढ़ा देगा, तो फोर्सफुली तीनों में करंट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा ही होगा। एक में करंट बढ़ेगा तो बाकी दोनों में भी बढ़ेगा, एक में करंट घटता है तो बाकी दोनों में भी घटेगा, फोर्सफुली तीनों SER में करंट डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा ही होगा।
अब आपने तीनों में गेट पल्स साइमल्टेनियसली अप्लाई की और एक SCR पहले ऑन हो गया, तो पहले ऑन हो गया तो क्या होगा, इसकी प्राइमरी में करंट बढ़ेगा तो इसकी सेकेंडरी में बढ़ेगा, और इसकी सेकेंडरी में बढ़ेगा तो दूसरे की सेकेंडरी में भी करंट बढ़ेगा, और दूसरे की सेकेंडरी में करंट बढ़ेगा तो इनकी प्राइमरी में भी बढ़ेगा, तो ये फोर्सफुली इनको भी SCR को ऑन कर देंगे। एक SCR अगर पहले करेक्टरिस्टिक अगर मैच नहीं कर रही है, एक SCR पहले टर्न ऑन हो गया तो दूसरे SCR को भी फोर्सफुली वो एक साथ ही ऑन करवाएगा। एक SCR पहले ऑफ हो रहा है तो उसमें करंट रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ये दूसरे चल रहे हैं तो इसको ऑफ होने ही नहीं देंगे ये दूसरे SCR, क्योंकि इसमें करंट अभी चल रही है तो इसकी सेकेंडरी में भी चलेगी और वो सेकेंडरी वाली करंट इसमें प्राइमरी में भी आएगी, तो इसको ऑफ होने ही नहीं देंगे। जब ऑफ होंगे तो भी एक साथ ऑफ होंगे। तो इस तरह से ये जो सर्किट है, एक तरह से अपन ने इन सेकेंडरीज को सीरीज में कनेक्ट करके फोर्सफुली प्राइमरी में करंट को इक्वलाइज कर दिया है। हर कंडीशन में करंट फोर्सफुली इक्वल होगा ही होगा। तो इस तरह से ये जो सर्किट अरेंजमेंट अपन ने किया है तो सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ ये सॉल्व कर देगा। मिटिगेशन ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर डन बाई इंसर्टिंग प्राइमरी ऑफ ईच ट्रांसफार्मर इन पैरेलल, ये सीरीज नहीं है, प्राइमरी पैरेलल में है विद SCR एंड कनेक्टिंग सेकेंडरीज ऑफ ऑल SCR इन सीरीज। सेकेंडरीज को अपने सीरीज में कनेक्ट किया विद ईच अदर इन ए क्लोज लूप, सेकेंडरी को अपने क्लोज लूप में सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और प्राइमरी को पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो इस तरह से ये सारी प्रॉब्लम एक साथ ही सॉल्व हो जाएगी अपन अगर इस तरह से सर्किट अरेंजमेंट कर देंगे, चाहे SCR अब अनइक्वल रेटिंग के हो या मतलब करेक्टरिस्टिक मैच नहीं हो रही है तो भी ये वर्क सेटिस्फैक्टरली करेगा। तो इस तरह से SCR को अपन अब सेटिस्फैक्टरली जो है पैरेलल में कनेक्ट करके ऑपरेट करवा सकते हैं, जिससे कि करंट रेटिंग अगर मैच नहीं हो तो SCR को अपन पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।